गर्मी इतना ज़्यादा है ना, स्पेशली दोपहर के टाइम पे, मतलब 12-1-2 बजे, इस टाइम पे अगर कोई घर से हम लोगों को निकलने के लिए बोले ना, या फिर बाई चांस कोई काम गिर जाए, कोई इमरजेंसी काम आ जाए, तो मन में एक ही बात आता है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा। एग्जैक्टली दोस्तों, लेकिन क्या करे, गर्मी है तो उसे झेलना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शंस भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये छोड़ के भी बहुत सारा ऑप्शंस है जिसको हम लोग पी के या खा के थोड़ा सा राहत मिल जाता है। लेकिन हमारे फिश का क्या है? ये जो हमारे फिश बेचारे गर्मी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई कोई तो एक्सपायर भी कर जा रहा है। सारा दिन हम लोगों के पास ऐसा बहुत सारा फ़ोन कॉल्स आ रहा है, मैसेजेस व्हाट्सएप में आ रहे हैं कि दादा टेम्परेचर इतना हाई हो जा रहा है, पानी इतना गर्म हो जा रहा है कि रोज कोई ना कोई फिश एक्सपायर कर जा रहा है, तो इस पे हम लोग करें क्या? तो इसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो एक बनाया था, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं शायद वो वीडियो देखे नहीं है या फिर कोई कारण से स्किप कर गए हैं। लेकिन इस बार फिर से एक बार इस समर के लिए स्पेशल आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ। हर एक पॉइंट्स, हर एक पार्ट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। दोस्तों नए दोस्त है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने दोस्त है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो करना क्या है, वीडियो के मेन पार्ट में जाना है। सबसे आगे जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है पानी गर्म हो जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो इस पे क्या करें? बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अभी बोल रहे हैं कि दादा फ्रिज का पानी डाल दूं या फिर बर्फ थोड़ा उसमें चुभो दूं तो क्या पानी थोड़ा ठीक हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेस एकदम गलत है ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका करने का तरीका अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर गलत हो सकता है। कभी भी डायरेक्ट आइस पानी में मत दीजिए, डायरेक्ट आइस का क्यूब वो पानी में डायरेक्ट मत दीजिए। आप क्या कर सकते हैं कि आइस का एक बॉटल ले सकते हैं या पूरा ठंडा पानी का एक बॉटल लेके वो एक्वेरियम में आप डिप करके रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, आपके टैंक में थर्मोमीटर होना चाहिए, थर्मोस्टर नहीं, थर्मोमीटर। स्क्रीन पे देखिए, हाँ ये वाला, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 100-150 का आता है, एक ले लीजिए। तो ये आपके एक्वेरियम में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपके टैंक में शायद बहुत जल्दी पानी ठंडा हो गया, आपने जो आइस का जो बटल दिया या फिर ठंडा पानी दिया तो उससे जल्दी जल्दी टेम्परेचर गिर रहा है, तो आप उस हिसाब से उसको निकाल भी लेंगे। थर्मोमीटर नहीं रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका एक्वेरियम में टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और कितना घटा है। और एक सवाल जो चुचुरा से हमारे कस्टमर ने पूछा था, तो दादा हम लोगों से बहुत बार फिश ले चुके हैं, तो उनका आज सुबह एक सवाल था, क्या मैं अपने एक्वेरियम के सम्प में भी डायरेक्ट एक्वेरियम के में कोई ठंडा पानी का बोतल या आइस का बोतल नहीं दे के मैं क्या सम्प में दे सकता हूँ? तो यस, आप सम्प में भी वो बोतल दे के रख सकते हैं आइस का, उससे भी टेम्परेचर धीरे 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 स्लो डाउन होगा। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए वो तस्वीर। दोस्तों ये भीड़ बस का तस्वीर है, भीड़ बस मतलब जहां पे ओवर क्राउडेड हो जाता है बस, और वो बस में चढ़ने में हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। अगर हम लोग पहले से है और बस भीड़ होते जा रहा है तो वो तो जान निकाल देता है कभी कभार। जो मेरे दोस्त डेली पैसेंजर है ट्रेन में, बस में डेली ट्रेवल्स करते हैं, गर्मी के टाइम पे अगर इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ा तो सही में बहुत तकलीफ होता है। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया पता है? क्योंकि कभी कभार हम लोग हमारे फिश के साथ यही करते हैं, गर्मी के टाइम में भी हम लोग सोचते नहीं हैं और फिश ऐड करते 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 जाते हैं। ऐड करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो जानना चाहिए ना कि टैंक कंजेस्टेड नहीं हो जा रहा है। सो जो मेरे दोस्त है ये दो नंबर ज़रूर सेव करके रखिए, ये दो नंबर आप लोगों को बहुत काम में आएगा। आप अगर कोई भी नया फिश ऐड करना चाहते हैं ऐड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार हो सके तो हम लोगों से सजेशन ले लीजिए कि ये फिश मैं ऐड करूँगा तो ये फिश क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं। सो वी विल गाइड यू कि हाँ ये आपके लिए अभी सही डिसीजन है कि नहीं, थोड़ा सा समर जाने दीजिए, टैंक को अभी कंजेस्टेड मत कीजिए, कुछ दिन बाद ये फिश ऐड कीजिएगा, ये हम लोग आप लोगों को ज़रूर बता देंगे।
सरफेस एजिटेशन एक सब्जेक्ट है। आप अगर आपके वाटर को ये समर सीजन में थोड़ा सा ठंडा करना चाहे ना, तो ये बात को इस बार समझ लीजिए। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो में देखिए दोस्तों, जो एक्वेरियम सरफेस होता है आप लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं, वो पार्ट में आप जितना हो सके वेव क्रिएट कीजिए। आप बबल्स लगाइए, आप एक्स्ट्रा स्पॉन्ज फिल्टर लगाइए, एयर स्टोन लगाइए, या दूसरा किसी भी तरीके का फिल्टर या सिमिलर यूज कीजिए चीज, जिससे वो पानी ज़्यादा उसमें वेव क्रिएट हो, जिससे आपके एक्वेरियम में ऑक्सीजन लेवल ग्रो करेगा और पानी का पैरामीटर सही रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर भी लो होगा, जिससे इस समर में आपके फिश को राहत जरूर मिलेगा। दोस्तों इस पार्ट में हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट बोलेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर हम लोगों का मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो को तो जरूर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट जिन जिन के पास फिश है तो उनका फिश ये समर में सर्वाइव कर जाए। सो पहला चीज़ है कि आप अगर कूलिंग फैन इस्तेमाल करना जानते हैं, या तो फिर YouTube पे बहुत सारा वीडियो है, वो कूलिंग फैन जिससे एक्वेरियम के ऊपर लगाया जाता है, एक्वेरियम के पानी को थोड़ा सा राहत देता है, ठंडा करता है, वो कूलिंग फैन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अभी कूलिंग फैन यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आपके घर में अगर स्टैंड फैन या टेबल फैन है वो भी आप एक्वेरियम के सामने रख सकते हैं, जिससे एक्वेरियम का पानी भी थोड़ा सा ठंडा होगा। और एक चीज़ है दोस्तों, सनलाइट बहुत सारा एक्वेरियम में डायरेक्ट आता है, तो एटलीस्ट कुछ दिन वो एक्वेरियम का पोजीशन को थोड़ा सा हटा दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट एक्वेरियम में ना लगे। और एक चीज़ है एक्वेरियम का लाइट, हम लोग बहुत बार सारा दिन एक्वेरियम का लाइट ऑन रखते हैं, क्योंकि एक्वेरियम का लाइट से एक्वेरियम देखने में, फिश देखने में और बढ़िया लगता है। लेकिन ड्यूरिंग समर और इतना गर्मी में मैं पर्सनली बोलूँगा एक आध घंटा छोड़ के बाकी एक्वेरियम का लाइट आप ऑफ ही रखें, इससे आपका एक्वेरियम का पानी बढ़िया रहेगा। गर्मी इतना ज़्यादा है दोस्तों कि फ्री में अगर कोई बिरयानी भी दे देना तो शायद हम लोग उसको अभी मना कर दें। नहीं, एक्सेप्शनल और डेयर, कोई कोई बोल रहा है नहीं मैं तो खा लूँगा, वो अलग बात है, लेकिन सही में ये गर्मी में हम लोगों को खाने को दिल नहीं करता, लगता है कि थोड़ा ठंडा पानी या सिमिलर कुछ पिए और थोड़ा बैठ के रहे एसी के नीचे बस। लेकिन हम लोग क्या ये हमारे फिश के बारे में सोचते हैं कि शायद उन लोगों को भी खाने का उतना मन नहीं करता? आप देते जाते हैं तो वो खाते जाते हैं, लेकिन खाने के बाद वो लोग भी परेशान होते हैं, वो लोग भी, उनका भी हेल्थ डिस्टर्ब होता है, ये हम लोग सोचते नहीं हैं। दोस्तों एक चीज़ कन्फर्म है, जैसे हम लोग भी अगर ओवरफिट कर लिया, स्पेशली ये गर्मी के सीज़न में हम लोग जैसा अपने अंदर तकलीफ फील करते हैं, हमारे फिश भी सेम तकलीफ फील करता है। तो इन दिस समर सीज़न कोई भी हाई प्रोटीन वाला खाना नहीं, ओवर फीडिंग नहीं, वन टाइम खाना दीजिए, और वीक में एक बार तो फास्टिंग ज़रूर कीजिए, हो सके तो टू टाइम फास्टिंग कीजिए, आपके फिश को कुछ नहीं होगा। लेकिन गलती से भी ज़्यादा फीडिंग मत दीजिए। बहुत सारे दोस्त हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, मेरा फिश सडनली ऐसा एक्सपायर क्यों कर रहा है। मैं तो हफ्ते 10 दिन में जैसा वाटर चेंज करता था वैसा ही करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, तो पहले आप जैसे नॉर्मल वेदर में जैसे नहाते हैं, बहुत गर्मी जब होता है क्या आप ज़्यादा नहीं नहाते हैं? जैसा नॉर्मल वेदर में आप पानी पीते थे, गर्मी में क्या थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पानी पी रहे, ठंडा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, ये हो रहा है कि नहीं? अगर आप खुद के साथ ये कर रहे हैं तो अपने एक्वेरियम में वही पुराना रूटीन क्यों? दोस्तों मेरा बोलने का मतलब है, इन दिस समर सीजन और ये गर्मी में इतना टेम्परेचर हाई है, तो इसमें आप लोगों को वीक या 10 दिन में एक बार पानी चेंज करने से नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, तो आपका फिश बीमार भी होगा, एक्सपायर भी होगा। आपको फ्रिक्वेंटली वाटर चेंज करना है, रेगुलर शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन वीकली कम से कम 2 से 3 बार एटलीस्ट 20-25% वाटर चेंज चाहिए ही चाहिए, तभी आपका फिश प्रॉब्लम में नहीं आएगा, नहीं तो सडनली आप देखेंगे आपका फिश बीमार हो गया है। और मेडिसिन कभी कभार आप लोगों के पास होता है, कभी कभार नहीं होता है, तो आप अपने फिश को सस्टेन नहीं करवा पाइएगा।
दोस्तों हमारे रिसर्च टीम में थोड़ा सा रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा बहुत तो मदद ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों को अशोक अकाउ का वीडियो कैसा लग रहा है वो बताइए, और कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अगर दूसरा कोई सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। दोस्तों वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे भी बहुत सारा फ़िश का वैरायटी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो कोलकाता के बाहर रहते हैं जो फ़िश खरीदना चाहते हैं लेकिन क्या क्या फ़िश है वो जानना चाहते हैं उससे पहले, तो आप लोग वेबसाइट में जाके फ़िश गैलरी में ज़रूर हम लोगों का सारा वैरायटी देख पाइएगा। और उसके साथ दोस्तों ये दो नंबर आप लोग सेव करके रखिए, आपका फ़िश रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आप लोग हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। टिल देन सबाई खूब भालो थाकबेन और अपने फ़िश को अच्छे से रखिए। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।